नौ हिंसा के बाद आज पहली बार गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने जिला सचिवालय में सद्भावना मीटिंग ली। इस मीटिंग में सभी मजहब के लोग बुलाए गए थे, साथ ही अमन कमेटी के सदस्य और सरकार के नुमाइंदों के साथ साथ प्रशासन के लोग भी सद्भावना मीटिंग में शामिल हुए। सद्भावना मीटिंग के बाद सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 31 जुलाई को नू में हिंसा हुई थी, लेकिन अब माहौल शांत हो चुका है, इसलिए प्रशासन की इजाजत मिलने के बाद वो बैठक लेने आए हैं। जिला प्रशासन ने जिस तरह से राजनीतिक लोगों का जिले में आने जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था वो ठीक था। सुनिए बैठक लेने पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा। मेवात के अंदर एक सद्भावना मीटिंग ली गई है, जिसके अंदर सभी मजहब के लोग आमंत्रित थे, पीस कमेटी के सदस्यगण आमंत्रित थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, चुनाव में नुमाइंदे थे, और जो यहाँ पर आज से महीना दो महीना पहले हरकत हुई, डेढ़ दो महीने पहले जो यहाँ दुर्भाग्य से झगड़े हुए वो आज शांत हुए और अमन और चैन आज के दिन मेवात के अंदर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को कहा कि भी अब आप आना जाना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले ना मैं जा पाया था किसी गांव के अंदर ना किसी शहर के अंदर, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक आना जाना, और ये मेरे लिए नहीं था, जितनी भी पार्टी के लोग आना चाहते थे वो सब के सब उनको सीमित कर दिया गया था, और मैं समझता हूँ उचित बात थी, क्योंकि कई बार राजनेता आते हैं तो उससे सौदा घटने की वजह बढ़ जाता है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, इंसाफ दिलवाने की हमने बात कही कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाएगा और सज़ा दिलवाने का पूरा प्रयास कोर्ट के माध्यम से करा जाएगा, और जिन लोगों का जान और माल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने जब बात करी तो यहाँ की तरफ से तो इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है, हरियाणा सरकार तक कागजात भेजे गए हैं, आने वाले समय के अंदर जिसका जितना मुआवजा बन सकता है देना बनता है, जिस तरह से इन्होंने असेस किया है उसके हिसाब से पैसे जब आ जाएंगे तो उन तक वितरित कर आ गए हैं, तो पैसे आ गए तो उसको बंटवा भी दिया जाएगा। आज आप एक जिम्मेदार प्रेस के तौर के ऊपर यहाँ उपस्थित थे, आपको उस टाइम के ऊपर अंदर नहीं बुलाया गया हमने, लेकिन वहाँ पर अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ती है तो ऐसा ही हो जाता है वातावरण, ऐसे माहौल के अंदर मैंने उचित नहीं समझा कि आप लोगों को बुलाया जाए, लेकिन आज आपके बीच के अंदर आकर के मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मेवात के अंदर अमन चैन है, इंसाफ होगा, दोषियों को सजा दी जाएगी और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सांसद ने कहा कि 2014-15 के अंदर ताबड़ू में हुए दंगों के बाद सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की गई थी, जिसके लिए इंडरी में जमीन दी गई थी, जिसको अब जल्द ही स्थापित किया जाएगा। पिछले दिनों के अंदर कुछ ताबड़ू के अंदर दंगे हुए थे 2014-15 के अंदर, 14-15 के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक छावनी स्थापित करनी थी, तो इंडरी के अंदर, इंडरी गांव वालों का बड़प्पन है कि उन लोगों ने अपनी जमीन तजवीज़ कर दी थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अप्रूव भी कर दिया था, हरियाणा सरकार के मार्फत उसको मंजूर भी कर दिया गया था, ऊपर तक उसका चिट्ठा भेज दिया गया था। उन जवानों के लिए, ऑफिसरों के लिए तीन चार मांगे थीं, एक तो जो नेशनल हाईवे है उससे उनको रास्ता मिलना चाहिए, दूसरा वहाँ पर पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, स्कूल का बंदोबस्त होना चाहिए वहाँ पर, मतलब सीवरेज का बंदोबस्त हो, तो सारी चीज़ें पिछले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कर दी गई हैं, और कुछ बकाई शिकाई रह गई हैं तो वो भी कर दी जाएंगी, ताकि अगर फर्जन, भगवान ना करे इस तरह की बात कभी हो, लेकिन अगर कभी ऐसी बात अगर होने की संभावना भी बनती नज़र आती है तो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स स्थानीय तौर के ऊपर यहाँ मेवात या नू जिले के अंदर ही स्थापित होगी। राव इंद्रजीत ने कहा कि आने वाले समय में विकास कार्यों को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। बता दें कि नू हिंसा के बाद जिले में नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब फिर से जिले में राजनीतिक नेता जा सकते हैं, और इसकी शुरुआत सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने की, जो जिला सचिवालय में सद्भावना मीटिंग लेने पहुंचे थे। नू से अनिल मोहानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।